हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप सभी अच्छे होंगे। हमारा नाम है कविता सिंह और आज हम बात करने वाले हैं एक मिथ के बारे में। वैसे तो हमारे समाज में ढेरों मिथ हैं जिस पे लोग आंख बंद करके विश्वास करते हैं, ठीक है। तो उसमें से ही एक मिथ है कि क्या ब्रेस्ट को, मतलब क्या बुब्स को दबाने से या चूसने से वो बड़ा हो जाता है, उसका आकार जो है ये बड़ा हो जाता है, ठीक है। काफ़ी लोग इस चीज़ पे विश्वास करते हैं, काफ़ी ऐसी लड़कियां हैं, काफ़ी ऐसे पुरुष हैं, काफ़ी ऐसी महिलाएं भी हैं जो इस बात पे विश्वास करती हैं कि उनके ब्रेस्ट को अगर दबाया जाए या चूसा जाए तो उनका जो ब्रेस्ट है उसका आकार वो बड़ा हो जाएगा। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, ये केवल एक मिथ्य है, ठीक है। डॉक्टर बताते हैं कि चूसने से, दबाने से कभी भी ब्रेस्ट का आकार जो है वो आकार जो है वो बढ़ता नहीं है। ब्रेस्ट का आकार तभी बढ़ता है जब आप वहाँ पे सर्जरी करवाते हो उसको बड़ा करने के लिए, ठीक है। काफ़ी लोग एक्सरसाइज करते हैं, काफ़ी लोग मसाज करते हैं, तो देखो उससे भी ब्रेस्ट का आकार नहीं बढ़ता है। अगर आप मसाज करते हो तो वहाँ पे क्या होता है, ब्लड सर्कुलेशन अच्छा होता है, थोड़ा बहुत चेंजेस हो सकता है। उससे क्या होता है, उसकी बनावट जो है, उसका शेप जो है वो बिल्कुल सुडौल हो जाता है। सुडौल होने के चक्कर में, मतलब सुडौल होने के चलते आपको लगता है कि आपका जो ब्रेस्ट है, आपका जो बुब्स है वो थोड़ा बड़ा बढ़ गया है, इस टाइप का आपको फील होता होगा। लेकिन वो क्या है, उसका जो शेप है वो सही आकार में आ जाता है, सूडौल दिखता है। काफ़ी ऐसी लड़कियां हैं जो एक्सरसाइज करती हैं तो एक्सरसाइज करने से भी उसका आकार जो है बहुत ही अच्छा हो जाता है। तो अब हम बात करेंगे कि आप अपने ब्रेस्ट का आकार कैसे बड़ा कर सकते हो। तो ये दो तीन तरीके हैं जिससे आप अपने ब्रेस्ट का आकार सही कर सकते हो, बड़ा कर सकते हो। तो अब हम बात करेंगे कि जिनका ब्रेस्ट काफ़ी छोटा है, डेवलप नहीं हो पा रहा है, एक एज से में आकर 28-30 के हो के भी आपका ब्रेस्ट जो है काफ़ी छोटा है, तो आप अपने ब्रेस्ट को कैसे बड़ा कर सकते हो, ठीक है। तो इसमें सबसे पहला चीज़ है जो कि काफ़ी ज़्यादा कॉस्टली है, वो है प्लास्टिक सर्जरी, है ना। प्लास्टिक सर्जरी करवा के आप अपने ब्रेस्ट को मनचाहा शेप दे सकते हो। बहुत सारी ऐसी सेलिब्रिटी हैं, बहुत सारे ऐसे एक्ट्रेस हैं जो कि वो अपने ब्रेस्ट का सर्जरी करवा लेते हैं, उसको सुडौल बनाने के लिए, उसको अच्छा दिखाने के लिए, क्योंकि उनको वहाँ पे काम करना है और जब तक उनकी बॉडी परफेक्ट नहीं रहेगी उनको काम मिलना पॉसिबल नहीं है। तो ये चीज़ें आप कर सकते हो, लेकिन ये बहुत ही ज़्यादा कॉस्टली है। और फिर जैसे सर्जरी होता है ना, तो उसको वैसे भी बहुत ज़्यादा दबा नहीं सकते हैं, उसका मेंटेन करना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। तो ये हो गया पहला चीज़। दूसरा चीज़ है, जब आप प्रेग्नेंट होते हो ना तो आपका वेट जो है ना बहुत ज़्यादा भागता है, बहुत ज़्यादा बढ़ता है आपका वेट। तो क्या होता है उस टाइम पे, और दूध भी बनने लगता है बच्चे के लिए, तो उस टाइम पे आपका ब्रेस्ट जो है ऑटोमेटिक बहुत ज़्यादा हैवी हो जाता है, बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। तो हो आपको अगर बहुत बड़ा ब्रेस्ट चाहिए या फिर आप चाहते हो कि आपका ब्रेस्ट जो है वो बड़ा रहे, तो आप बेबी प्लानिंग कर सकते हो शादी के बाद, है ना। तो उस टाइम पे आपका ब्रेस्ट जो है वो चेंज हो जाएगा, जैसे पहले चेंज नहीं है, मतलब काफ़ी ज़्यादा छोटा है, तो शादी के बाद ये सारी चीज़ें चेंज हो जाती हैं, तो ये कर सकते हो। अगला जो चीज़ है कि देखो, आप अपने शरीर का वजन बढ़ा सकते हो, अपना वेट गेन कर सकते हो, जिससे आपका ब्रेस्ट का जो साइज़ है वो भी बड़ा हो जाएगा। क्योंकि अक्सर देखा गया है बॉडी जो है वो पूरा का पूरा सेम सेम होता है, जैसे कि अगर आप पतले हो तो आपका हाथ पैर भी पतला रहेगा, आपका पेट भी स्लिम रहेगा, आपका चेहरा भी जो है ना वो पतला रहेगा, ठीक है। तो उसी हिसाब से अगर जब आप मोटे होते हो तो चेहरा जो है ना खिला खिला हो जाता है, भर जाता है, हाथ पैर थोड़े मोटे हो जाते हैं, पेट भी थोड़ा सा ऊपर की ओर आ जाता है, उसी हिसाब से आपका ब्रेस्ट जो है वो भी डेवलप हो जाएगा, बढ़ सकता है। तो ये सबसे आसान तरीका है कि अगर आप बहुत ज़्यादा पतले हो ना तो थोड़ा सा कोशिश करो कि आप अच्छा डाइट लो, अच्छा आहार लो, जिससे आपका वेट जो है आपकी बॉडी की, आपकी लंबाई के हिसाब से, आपकी लंबाई के हिसाब से परफेक्ट हो, जिससे आपका जो ब्रेस्ट है वो भी मतलब एक शेप में आ जाए, अच्छा हो जाए, जिससे आपको गिल्टी भी फील ना हो, ठीक है। अगला जो चीज़ है वो है कि आप मसाज कर सकते हो, एक्सरसाइज कर सकते हो। मसाज और एक्सरसाइज से ये होगा कि वहाँ का जो ब्लड सर्कुलेशन है अच्छा होगा और एक अच्छे शेप में होगा, सुडौल बनेगा। तो वो जब अपने शेप में आएगा, अपने आकार में आएगा, सुडौल बनेगा, तो वो ऑटोमेटिक बड़ा दिखेगा, ठीक है। आई होप हमारी बातें समझ में आई होगी, ये इन्फॉर्मेशन अच्छा लगा होगा। मिलते हैं ऐसी कुछ और वीडियो के साथ, कुछ और इन्फॉर्मेशन के साथ। तो देखो हमारे चैनल पे जो भी नए व्यूवर्स आए होंगे वो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए हमारे चैनल को, बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए, ताकि भविष्य में आप इस टाइप की और वीडियो देख पाएँ और अच्छे अच्छे इन्फॉर्मेशन जो है वो हमसे ले पाएँ। ओके बाय।